आप ये सब रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी ये सब। कितनी काम करना रे तू बड़ा, थोड़ा काम तो मुझे करने दो। वो क्या कहते हैं, सुपर वुमन तो नहीं है ना तू? आई आप सही तो कह रही हो, ये सुपर वुमन ही तो है। किचन में मैंने नाश्ता परोस के रखा है, खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये एकदम सुखी से बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं सब? ये क्या होगा कार्तिक, ये क्या हुआ है? है क्या इस लेटर में सुरभि? आइए, चौल खाली करवाने का नोटिस है। इसमें लिखा है कि अगले 24 घंटे में इस चौल में रहने वाले सभी लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। अरे देवा, खाली करने मतलब? वो भी 24 घंटे में? ये क्या मजाक है, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? काका हम लोग एक काम करते हैं, चौल के मालिक के पास चल के बात करते हैं। अरे किराया भी टाइम पे देते हैं, कोई शिकायत भी नहीं आई कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी ये अचानक। अरे तो चौल का मालिक है ना, क्या नाम है उसका, पाटिल, वो सब उसका किया धरा है, उसके पास जाके क्या फायदा है? काका काका, अरे चंदू कुछ पता चला? वो पाटिल है ना, उसने कोई नई कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, कोई कमला बर्वे करके है। ये औरत आखिर चाहती क्या है? सब कुछ तो दे दिया हमने ताई को, क्या वो हम लोगों को एक छत के नीचे एक साथ खुश नहीं देख सकती? नहीं करने दूंगा मैं ताई को कुछ भी, नहीं, उनकी दुश्मनी मुझसे है। अरे इन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है? ताई को मुझसे तकलीफ है ना, तो ठीक है मैं खुद जाके ताई से बात करूंगा, इस मामले को मैं खुद निपटाऊंगा। काका मैं अभी आता हूं। कार्तिक नहीं सुन, मुझे जाने दो। कार्तिक शांत पड़े, कार्तिक मजा आई। बाबा वो बहुत ही गुस्से में गए, पिछली बार की तरह इस बार भी। एक नेम प्लेट भी तुमसे ठीक से नहीं लगता। हाँ आओ। कार्तिक ने कहा था कि वो 9 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे। आउच। सिर्फ 6 मिनट बाकी है कार्तिक के आने, only 360 seconds। ताई, हाँ पूर्ण बना। ये पाटिल भाव, काय को मेरे साथ तुम माथा पेची कर रहे हैं ये सब ब्लैक एंड व्हाइट लेकर? ये तुम्हारा काला पीला जो भी ऐसे डायग्राम बना है ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भेजे मैच नहीं, गुस्सा है मेरे। हाँ कुश्ती है तो बस एक ही चीज, अपना मंदिर बनने के बाद चढ़ावे का जो माल होगा ना उसका हिसाब किताब, वो एकदम बराबर होना मांगता है। हाँ। ये उचित नहीं है ताई, आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति भावनाओं का गलत फायदा नहीं उठा सकती। कार्तिक जी? हाँ, तेरे कार्तिक जी के लिए ये सारा खेल कर रही है मैं। मंजर जब तक उसको मैं सड़क पर नहीं ले आएगी ना, दम नहीं तोड़ेगी मैं। We'll be right back.
बसा। चला ये मालिक है क्या इस घर का? नहीं ना, मैं मालकिन है इस घर की। चला मंत्री है क्या कोई? बैठो इधर सीधा। बोल रे बाण, काय झालं? ताई, आप मुझे जहां बुलाएंगे मैं वहां पे आ जाऊंगा। ताई, आज तक आपने जो भी हमारे साथ गलत किया मैं वो बर्दाश्त करता रहा, पर ताई मैं चौल में अकेला नहीं रहता। मेरे साथ और 200 परिवार वहां पे रहते हैं। उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा? उनके घर क्यों जाने में लगे आप? यच, ऐसे लग रहा था मेरे को ना कोई कमी खल रही थी, ऐसे पेट में बोले तो गुड़गुड़ हो रहा था। लग रहा था कि तू टपकेगा इस टपकेगा, मंजे नेतागिरी कौन करेगा वो 240 वालों की, है ना? ताई, मेरे पास जो भी था मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब आप ऐसा क्यों कर रही हो? ताई, थोड़ी खुशी का हक हमको भी है। ना रे बेटा, ऐसा मैं होने ही नहीं दे सकती। अभी तेरे साथ थोड़ा लगाव है करके मैं तेरे को थोड़ी बहुत खुशी ऐसे खैरात में दे देती। पंचायला तेरी वो छंबिया है ना, तेरे बाई को ऐसे तेज में उस दिन मेरे घर में आई, सारा मूड ही आप कर दिया उसने मेरा। उसको भी भूल जाती मैं, अगर वो 2-3 दिन जेल में सड़के आती ना, भूल जाती। ऐसे दिल को थोड़ी सी शांति मिलती मेरे को। पर फिर दुआ धमका, ये भाव मालूम क्या किया ये लड़का, ऐसे पिस्तौल टान दी अपने ऊपर। मेरे को धमकी दे रहा था ये लड़का, वो सुख भी देखा नहीं गया इससे मेरा। मेरे को झुकाए तूने करटिया, तेरे को मालूम है ताई को झुकना अच्छा नहीं लगता है। मंजा, इसे मेरी कमर में ना दर्द चालू हो जाता है, उसी दर्द का इलाज है ये। ताई, सुरवी ने जो भी किया ना, सच के साथ खड़े होने के लिए किया, जो सही था उसका साथ देने के लिए किया। लेकिन आप ताई, आप गलत कर रही हो ताई। बदले की भावना में आप ये सब कर रही हो। सही बोला तू, बदला लेने के वास्ते ही कर रही है मैं ये सब। तेरे को नहीं मालूम कितना सुकून मिलता है दिल को इससे। तूने और तेरी बाइकों ने मेरे ही घर में आके मेरे को वो करने से रोका जो मैं करना चाहती थी, तो ठीक है, मैं भी सारा हिसाब किताब बराबर कर रही है। अब मैं तेरे मंदिर जैसे घर को तुड़वा कर उधर ही पप्पा का इससे आलीशान मंदिर बनवाएगी, और ऐसा करने से मैं अपने सारे पुण्य वापस कमा लेगी। ताई, मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ये बोलता है मेरे को नहीं करने देगा, क्या करेगा तू? हे कार्तिया, ताई ने कानूनी हिसाब किताब सारा एकदम सेट करके रखा है, तू कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मैं तेरे को आज भी कुछ दे सकती है। रुक, जब उसने तो घर छोड़ के गया था ना, मैंने तेरे को भीख के तौर पे 1 रुपया दिया था। इसको ताई का आशीर्वाद समझ या ताई की भीख, लेकिन उस 1 रुपए से तेरा कुछ होने नहीं वाला। इसलिए आज मैं तेरे को कटोरा दे रही है, आमदनी का जरिया। अभी जब वो मंदिर बन जाएगा ना पप्पा का, बाहर लेके बैठने का, भीख मांगने के वास्ते, मंजे काटिया मैं तेरा घर तोड़ेगी, लेकिन तेरे पेट पे लात नहीं मारेगी मैं। तू भी क्या याद रखेगा,
अभी जब मंदिर बन जाएगा ना, तू उधर की सबसे बोले तो बेस्ट यानी परमानेंट जगह मैं तेरे लिए और तेरे सत्यवादी परिवार के लिए बुक करवा देगी। अक्का परिवार बिग मम लाइन में बैठ के बट प्रसाद जो है ना मित्तिल को आज निशान पट्टी कर रहा था तू मेरे से दाई से दाई का प्लान चौपट करेगा तो फिर तेरे को प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा। एक कन्या चला इसी हड्डी पसली तोड़ इसकी कि दोबारा इस घर में घुस ले ना पाए। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या हाल होता हमारा, आपकी माँ का, आपकी बहन का और मेरा। ये दमाजी कहाँ चले? साला बाहर कूड़े में फेंक दे इसको। बहुत गलत किया है कार्तिक, बहुत गलत। दिस इज नॉट डन, नॉट डन एट ऑल। तुमने तो 9 बजे कहा था और अब देखो 11 बजने वाले। तुमने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बहुत गलत किया है कार्तिक तुमने, बहुत गलत। कार्तिक क्या हुआ तेरे को? कार्तिक काय झालं? कार्तिक काय झालं? मारा है रे इसको, बहुत मारा है। चुरु 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 बहुत लगा है, बहुत मारा है। आप टेंशन मत लीजिए, दादा को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। यही यही कार्तिक गलती मेरी नहीं थी, मैंने उन पे हाथ तक नहीं उठाया। तुम कहती थी ना दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं बनती, गलती उनकी थी, लेकिन मैं उनकी तरह गिरा नहीं, मेरी गलती नहीं।
पोस्टेड बॉक्स लेकर आओ। लता का कि काका वो ताई ने लीजिए। अगर आप हाथ नहीं उठाना चाहते थे कम से कम रोक तो सकते थे ना उनको। आपने देखा अपने आप को कितना ज्यादा दर्द में आप। सुरभि, अगर मैं उन्हें रोकता तो मुझे ये चोट नहीं लगती, और अगर मुझे ये चोट नहीं लगते तो तुम्हारा ये जो प्यार है वो मुझे कैसे मिलता। सॉरी, काय रे, कार्तिक के साथ ठीक नहीं किया कमला दाई ने। बड़ी निर्दयी है, ऐसा भी कोई मारता है भला? कितना मारा कार्तिक को, सब कुछ तो दे दिया कार्तिक ने उस लालची कमला ताई को। अब ये चौल भी चाहिए, और कितनी बुरी तरह से मारा उसने कार्तिक को। इनकी बदौलत सब हो रहा है। अरे पूरे 200 खोखे का प्रोजेक्ट है ये। मंजे लोग तो मौके का फायदा उठा के ऐसे चौका मारते सिर्फ, लेकिन ताई ने तो ये घुमा के बोले तो छक्का मार दिया सीधा, एकदम स्टेडियम के बाहर गया बॉल। चाहे वो भिरंगी के चक्कर में आके वो 50 खोखे का जो नुकसान हुआ है ना, सच्ची बोलती है भाव एकदम ऐसे मेरे जान पे आ गया था। लेकिन मानता ही ना मेरे गणित को प्यारे, चौगुना ज्यादा लेकर आ रही है मैं वापस। अरे नहीं नहीं सासू मां, छक्का नहीं, चौकों का बौछार आपके जाने के बाद। क्या हमारा मतलब कि आपकी सात पुश्तें दोनों हाथ खोलकर भी लुटाए ना तो भी तकसल खाली नहीं होगा। आपकी दिव्य दृष्टि ने आमदनी का जुगाड़ी ऐसा किया। बहुत बातें बनाता ये चंटा एक नंबर का। ये पानी का आवाज आ रहा है, ये प्यारे जाके देख रहे किधर, वो टंकी ओवरफ्लो तो नहीं हो रही? हमें लग रहा है टंकी फट गई होगी। ए, 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 ऐसे अंदर क्या घुस रहे मेरे घर में? चाहे तुम लोग के बाप का घर है क्या? पेट्रोल। हाँ।
adulterated petrol. बिना मिलावट का पेट्रोल. बस बात करने आया था ना कार्तिक. क्या क्यों मारा कार्तिक को?